हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल को और हमारे इस घंटे को बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कोमल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल लेंस के प्रैक्टिकल के बताएंगे कि आप गूगल लेंस से कोई भी जानकारी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जानकारी लेना चाहते हैं आप इस गूगल लेंस के द्वारा भी ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही काम आप शॉर्टली और बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं। जैसे गूगल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है या इंग्लिश सीखनी है, आप जो भी सीखना चाहते हैं आप उस तरीके की जानकारी आप इसमें ले सकते हैं। देर न करते हुए इस एप्लीकेशन के बारे में हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताते हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहले आप प्ले स्टोर पर जाएँ, जैसे कि मैं दोबारा जाता हूँ, प्ले स्टोर ओपन करना है आपको। प्ले स्टोर पर ओपन करने के बाद यहाँ लिखना है गूगल लेंस। गूगल लेंस लिखने के बाद फिर गूगल लेंस लिखने के बाद ओपन हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है गूगल लेंस की। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, आपको भी ओपन कर डाउनलोड कर लेनी है एप्लीकेशन, तो मैं ओपन करता हूँ। अब आप इससे ये है, ये इस तरीके से ये ट्रांसलेट और ये टेक्स्ट और ये सर्च बार और ये प्रोडक्ट वगैरह हैं, जो भी आप चीज़ की जानकारी लेना चाहें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसलेट। अब मैं आप कोई फ़ोटो खींच लेना जो भी आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक इंग्लिश वॉलपेपर है उसको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये इंग्लिश की इमेज है, अभी हिंदी में इंग्लिश में था ये टेक्स्ट लिखा हुआ पूरा, अब वो हिंदी में आ गया। ठीक है, दूसरों की खातिर अपनी मौलिकता को तो कभी मत बदलो, क्योंकि कोई भी आपकी भूमिका को आपसे बेहतर नहीं निभा सकता, इसलिए आप खुद ही सबसे अच्छे हैं। तो ये थी, अब मैं इसके दूसरे ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। यह है जैसी टेक्स्ट मैसेज, आप टेक्स्ट मैसेज के बारे में जानना चाहते हैं टेक्स्ट के द्वारा, तो आप मान लीजिए नेवर के बारे में जानकारी है, नेवर जो शब्द है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप नेवर पर क्लिक करना और वो बता देगा लोगों। सर्च हो रहा है मान लीजिए, अब आपको इस पर बुलवाना है, तो मान लीजिए इस रिलेशन है कंप्यूटर के बाद, तो कभी नहीं, नेवर के जो सब हिंदी अनुवाद कर दिए इसने कभी नहीं, और आप इससे अगर बुलवाना है यानी आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, मतलब टेक्स्ट वगैरह नहीं आता, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करना और ये बोल देगा, नेवर बोला इसने, कितना अच्छा है एप्लीकेशन है। ठीक है फ्रेंड, अब मान लीजिए आपको अदर्स इसके बारे में, इस शब्द के बारे में पता नहीं है, तो आपको डिक्शनरी भी खोलने की जरूरत नहीं, जिन बच्चों को मतलब इंग्लिश कम आती है, अन्य अदर्स मतलब दूसरों या अन्य बातें की। अब मान लो अगर इस शब्द को प्रोनाउंसिएशन करना है तो आपको ये बस टैप करना है इस पर। ठीक है, अदर्स बोल दिए इसने, कितना अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा है। अब मैं और बताता हूँ इसमें योर सेल्फ, इस तरीक़े से। अब मैं जानेंगे अगर मैं कोई टीचर के लिए बहुत अच्छी कैपेबल है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है सीएम, देखो सीएम इसका मतलब सीएम है। अब इसे आप इसे प्रोनाउंस करवाना चाहते हैं तो आप इसे जो लिसन लिखा हो रहा है जो माइक, इस तरीक़े से यहाँ ओपन करना है टैप करके, योर सेल्फ बोल दिए, कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। अब मान लीजिए आप सर्च बारे में यहाँ ओपन करवाना है, सर्च टैप कर दिए मैंने सर्च बार में, देखते हैं अब इससे मिलती जुलती जो इमेज आ जाएंगी वो सर्च करके दिखा देगा सामने। नेटवर्क कम आ रहे हैं इसके, देखिए कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, इसने इससे मैच होती हुई सारी जो इमेज हैं इमेजेस हैं वो दिखा दी, शो कर दी, कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। अब मान ली अब आपको ये जी है प्रोडक्ट, अब इस पर आप इससे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये तो इमेज है, इस पर तो खाली आप प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को मोबाइल है या स्कैन कर रहे हैं फ़ोटो और उसके बारे में ये जानकारी दे देगा, ये टाइम आप किसी भी ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, मेनू वगैरह होंगे डिशेज, उसे आप फ़ोटो खींचना है, इस तरीके से बनवाई आपको जानकारी दे देगा। अगर फ्रेंड आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड ऐसी वीडियो मैं आपको फ्यूचर में लाता रहूँगा, मैं एजुकेशन वीडियो लाता रहता हूँ। आपको अगर वीडियो ये पसंद आए तो नीचे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इस वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड।